सो हेलो गाइस, दिस इज रामू। फिर दोबारा मैं आप लोग के सामने आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। जी हाँ, एक न्यू वीडियो के साथ। आज हमारे इंग्लिश स्टूडेंट की क्लास जो डायरेक्ट इंग्लिश स्टूडेंट की क्लास जो है, आज हमारा क्लास 4 है। जी हाँ, डे 4 है। आज डे 4 में हम कुछ अलग चीज़ें सीखने वाले हैं। आई होप आप हमारे साथ पिछले वीडियो से, फर्स्ट वीडियो से आज तक चलते हुए आ रहे हैं। सो प्लीज़ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आए हैं तो प्लीज़ जरूर देखिएगा। हाँ, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, ताकर कि आप लोग को मैं कुछ चीज़ें दे पाऊँ। और बस आप हमें सपोर्ट करते चलिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या डायरेक्ट इंग्लिश इंग्लिश स्पोकन क्लास, आज 4 क्लास है। ठीक है, डायरेक्ट इंग्लिश स्पोकन की क्लास 4 है। जी हाँ, मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूँ। वी विल स्टार्ट इंग्लिश स्पोकन फ्रॉम टुडे। आज से ही हम लोग इंग्लिश स्पोकन क्लास डे शुरुआत करें, इंग्लिश बोलना शुरुआत करें आज से ही। सो डोंट वरी गाइस, व्हाट आई एम सेइंग टू यू राइट नाउ, सो प्लीज 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 I suggest you, I only want to say one thing, please never give up, because your life is very important. So, and you want to learn English language, so आप इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप सीखना चाहते हो, आपको छोड़ना नहीं है। वीडियो को पूरा देखिए, पूरी क्लास को समाप्त कीजिए। आप आए हमारे YouTube चैनल पे, तो मैंने पिछले वीडियो में जान लिया था कि हमने किसी चीज़ को हमारे सामने में है तो कैसे उसको बोलना है, क्वेश्चन बोलना है, वो आंसर कैसे दे सकते हैं। ये चीजों के लिए आज हम दो चीजों के लिए बात करते हैं। सबसे पहले जैसे अब यहां से देखते चलिए, है ना, अब यहां से करते हैं, दीज के ऊपर बात करते हैं। ओके, आर दीज, दिस थिंग, आर थिंग, डू थिंग, है ना। अब देखिएगा, यहां पे देखिएगा जो है चीजें को मैंने पिछली वीडियो में, तो आप सिंपली बोलोगे यस सर है, तो बोलोगे आप यस सर दीज आर क्या बोलोगे, दीज आर डू थिंग, क्या बोलोगे आप, मैं अभी बता दूं, दीज आर डू थिंग। ओके, नहीं है तो आप बोलोगे सिंपली नो सर दीज आर नॉट डू थिंग। ओके, देखिए अब चलिए मैं आपको लिख दिया बोर्ड पे, मैंने दिखाई पड़ रहा है ना भाई, मैंने आपको क्या पढ़ा है यहाँ पे, मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपको सिंपली पूछ रहा हूँ ये हमारे पास हाथ में क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ मार्कर, है ना। बट यहाँ पे हमारे पास कितने मार्कर है, 2 मार्कर है, तो 2 मार्कर है, इसके लिए कुछ तो अलग बोलना पड़ेगा भाई, है ना, इसके लिए तो कुछ तो हमें अलग बोलना पड़ेगा, इसीलिए हमने आर दीज का उपयोग किया, इसीलिए हमने आर दीज, क्योंकि हम लोग एक से अधिक चीजों के साथ आर यूज करते हैं। ठीक, बताने के लिए कोई भी चीज बताना हो, क्या आर दीज मार्कर, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, आर दीज मार्कर, क्या ये मार्कर है, क्या ये मार्कर है, मतलब ये क्या ये सभी मार्कर है, है ना, तो मार्कर है आप क्या बोलेंगे, ये सर दीज आर मार्कर्स, दीज आर मार्कर्स, ये एक से अधिक मार्कर है ना, इसलिए हम लोग दीज आर मार्कर्स बोलते हैं। ओके, अब मार्कर्स ये नहीं है तो बोलेंगे नो सर दीज आर नॉट मार्कर्स, दीज आर नॉट मार्कर्स। ओके, सिंपली देखिए आपको मैं यहां पे बता रहा हूं, बना रहा हूं क्या, बहुत सारा मार्कर चाहिए, ये बॉल है, ठीक है, कितने बहुत सारे बॉल है ना, अब मुझे सिंपली पूछना है, बॉल है ना, बॉल है, तो बॉल आपको पूछना है, अब यहां से पूछेंगे आर दीज बॉल्स, आर दीज बॉल्स, आप बोलोगे यस सर दीज आर बॉल्स, नहीं है बॉल्स, तो आप बोलोगे नो सर दीज आर नॉट बॉल्स, दीज आर नॉट बॉल्स, क्योंकि वे ये सारे बॉल्ब नहीं है। अब हमें क्या करना, यहाँ भी आपको एक चीज मैं आपको बता दूं कि दीज वहां पे यूज करते हैं, जैसे कि एक से कोई भी चीज अधिक है हमारे आंखों के
सामने है, कोई भी थिंग दुनिया की हर एक चीज, कोई भी चीज एक से अधिक है हमारे आंखों के सामने है, तो उसके साथ हम लोग डीज यूज करते हैं। डीज को बताने के लिए काम करते हैं कि भाई डीज आर पेंस, क्या यह पेन है, डीज आर पेंस, सॉरी क्या यह पेन है, आर दिस पेन, है ना, आर दिस पेन, हैव पेन, तो बोलेंगे यस सर डीज आर, यस सर डीज आर पेंस। ओके, अब सिंपली आप करते हैं, समझ में आ गया ना आपको? देखिए आपको सिंपली यहाँ लेना चेयर, मान के चलिए कि यहाँ पे चेयर है, चेयर है, चेयर में कैसे बनाऊँ, चेयर तो बना नहीं सकता हूँ, सॉरी 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 सॉरी, कैसे बनाऊँ भाई, ठीक ना, शायद मान के चलिए चेयर है, हाँ बैठने के लिए बैठे हैं इस पर चेयर। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक चेयर, तो एक चेयर के साथ हम कभी डीज यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम बता चुका हूँ एक के साथ हम डीज, अब यहाँ पे दो चेयर बनाना पड़ेगा। ओके, कितने चेयर, दो चेयर बनाना पड़ेगा हमें, उसके बाद ही हम इसके साथ हम डीज यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से बोलेंगे आर डीज चेयर, आर डीज चेयर, आप बोलोगे हाँ सर डीज आर चेयर, यस सर डीज आर चेयर, ये सारे चेयर्स हैं, ये सारे कुर्सियां हैं। ओके, नो सर कुर्सियां नहीं है, आप बोलोगे नो सर दीज आर नॉट चेयर्स, ये सारे कुर्सियां नहीं हैं, ये सारे ये हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पूछेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा गलती पूछता हूँ, क्या गलती पूछूंगा, चेयर है मैं बॉल पूछता हूँ या पेन पूछता हूँ। ओके, आर दीज पेन्स, प्लीज गाइस टेल मी आर दीज पेन्स, पेन्स है नहीं है, आप नहीं है तो बोलोगे नो सर दीज आर नॉट पेंस, है तो बोलोगे यस सर दीज आर पेंस या दीज आर चेयर्स। ओके ना, समझ में आ गया ना? जैसे आपके पास, मैं आपको बताऊं, आपके घर में बहुत सारा मोबाइल है, एक मोबाइल को एक साथ कीजिए, उसकी बोली दीज आर मोबाइल, सपोज दीज आर मोबाइल, ये सारे मोबाइल हैं। अब मैं पूछता हूँ आर दीज मोबाइल, आर दीज मोबाइल, क्या ये सारे मोबाइल हैं, आप बोलोगे सर क्या सर, यस सर दीज आर मोबाइल्स फोन। ओके, समझ में आ गया ना? अब चलिए हम दीज दोज की पर बात कर लेते हैं, दोज दीज के ऊपर हमने बात कर ली, दोज के ऊपर बात करते हैं। अब दोज के मतलब हो जाता है कि देखिए एक से अधिक चीजें बताने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन हमारे आंखों के सामने काफी दुनिया रहती है, चीजें रखा जाता है जिसको हमको इंडिकेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है, उसके साथ हम लोग दीज उपयोग करते हैं, ठीक। अब हम इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि आर दीज, सॉरी आर दोज बैलून्स, आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ लेकिन मुझे इंडिकेट करना पड़ रहा है, ठीक ना, बताना पड़ रहा है, दिखाना पड़ रहा है कि भाई हमारे आंखों के सामने नहीं है, काफी दुनिया बना करके रखी है, ठीक, मुझे दिखाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि आर दोज बैलून्स, क्या वे सभी बैलून हैं, है ना, क्या वे सभी बैलून हैं, है? तो बोलोगे ये सर, या यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक ना, दोज, है ना, दोज का यूज करना पड़ेगा, ठीक, यहाँ पे भी दोज, दो ये सर दोज आर बैलून्स, ये सर दोज आर बैलून्स नहीं है, नो सर दोज आर नॉट बैलून्स, वे सारे बैलून्स नहीं हैं, ठीक, ये सर वे सारे पेन हैं। अब आप यहाँ पे लीजिए, अब क्या है, ये मार्कर है ना हमारे पास है, आपको सिंपली सोच लेनी है, अब देखिए काफी दुनिया ये बना करके रखी है, ठीक, मैं उसे पकड़ नहीं पाता हूँ, छू नहीं पाता हूँ, देख पाता हूँ, ये सर बहुत सारे मार्कर है ना, तो हम लोग बोलेंगे क्या, कैसे पूछेंगे, आर दोज मार्कर्स, आर दोज मार्कर्स, है मार्कर्स, बोलेंगे यस सर दोज आर मार्कर्स, नहीं है, नो सर दोज आर नॉट मार्कर्स, दोज आर नॉट मार्कर्स। ओके, सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक, प्लीज, जैसे कि समझ में आपको जो नहीं भी आया, जो फर्स्ट क्लास जो हमारी इस वीडियो को देख रहा है, फर्स्ट बार देख रहा है, तो प्लीज आपको डे क्लास वन में जाइए और वहां से पूरे वीडियो को डे वन टू थ्री फोर फाइव को देखिए। आज ये जो डायरेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास जो है वो डे फोर था, ठीक ना, इसलिए हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की है। ओके, आप बोल सकते हो, सो गाइज आज तक की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, आई होप आपको ये क्लास, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मैं आप लोग के लिए ही बनाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग को किस ढंग से मैं सिखाऊं और कितनी इजी तरीके से सिखाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सो मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन नीचे दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।
और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि एक और हमारा एक YouTube चैनल है मोटलाल मोहन के नाम से, ओके मोटलाल मोहन के नाम से, इसे भी जाकर के आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं भी इस क्लास इंग्लिश की क्लास लेता हूँ और इंग्लिश पढ़ाने का काम करता हूँ। वहाँ पे सिर्फ आपको मिलेगा ऐसे वीडियो, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने के नहीं जाता हूँ, और वहाँ पे इसे भी जाकर के आप देख सकते हो। इसमें भी काफ़ी सारे वीडियो मैं अपलोड करके रखा हूँ और इंग्लिश पढ़ा करके रखा हूँ, ठीक है, जाकर इसे भी आप विजिट जरूर कीजिए। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक टेक, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।